अस्सलामुअलैकुम। तो आज है मेरे पास ऑडियोनिक का ये स्पीकर, ऑलरेडी मैंने अनबॉक्स कर लिया है ताकि मैं तमाम डिटेल्स आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि अनबॉक्सिंग करने में और उसको निकालने में बाहर टाइम लगता है, तो मैंने कहा ये टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करते। तो ये है ऑडियोनिक का महफिल MH702 और इसकी तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन मैंने आपको दिखाना है कि इस बॉक्स में स्पीकर के साथ और क्या एक्सेसरीज थी हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये निकाल दिया है ताकि आप लोग को बॉक्स भी नज़र आ सके और स्पीकर भी नज़र आ सके। तो अगर हमें इस बॉक्स को देखूँ, इसके नीचे मेरा फ़ोन आ गया था, ओके। तो अगर आप इस बॉक्स की तरफ देखें तो बहुत सारी डिटेल्स हैं। महफिल MH702 ये है इसका मॉडल नंबर ऑडियोनिक का, और ये है 5th generation। इसके साथ बिग बैटरी है इसमें, बिग HD साउंड है और TWS कनेक्टिविटी है। तो मतलब आप इसको ड्यूअल कनेक्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीकर को, और इसमें वायरलेस HD माइक भी है, तो माइक का मज़ा भी आप ले सकते हैं। इको बिल्ट इन है इसके अंदर, लाइव रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर भी है इसमें, अगर आप लाइव रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और इस तरह की कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। और RGB लाइट्स इफेक्ट्स भी हैं जो कि फ्रंट पे आपको नजर आएंगे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं, साउंड मिक्सर, ऑडियो इफेक्ट्स कंट्रोलर हैं इसमें, तमाम ऑडियो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जो कि इसकी बैक साइड में इधर आपको नजर आएंगी, यहाँ से आप तमाम ऑडियो को सेट करेंगे। क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है और मैंने इसको ऑन भी किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने लिया है। तो इसमें हमें इको ऑडियो बिल्टिन मिलता है, माइक मास्टर कंट्रोल मिलता है, वायरलेस HD माइक है, ब्लूटून है, बिल्टिन FM रेडियो भी है इसके अंदर। तो यहाँ कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बताया गया है कि अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो भाई ये ज़बरदस्त सा स्पीकर है जिसकी प्राइस है 13,900 और एक साल की वारंटी के साथ आपको ये स्पीकर मिलने वाला है। ऑडियोनिक की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स आपको मार्केट से भी मिल सकते हैं। तो अब मैं इस बॉक्स को नीचे रख लेती हूँ क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा घेरा है ये, और मैंने आपको दिखाना है ये स्पीकर और इसके बिल्ड के बारे में बात करेंगे और इसके साथ इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑडियोनिक के स्पीकर जो है वो लॉन्च होते रहते हैं, ये जो महफिल सीरीज़ है ये ऑडियोनिक की चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल है, ये बहुत जगह यूज़ होती है। लाइक आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, घर में कोई गेट टुगेदर है, या और इस तरह की कोई भी महफिल है, महफिल मिलाद होता है या कुछ और इस तरह की, जैसे 14 अगस्त गुजरा है उसमें, इस तरह के स्पीकर्स बड़े काम आते हैं। और ये इस तरह इसका हैंडल भी है, आप इसको ऐसे उठा भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ये जो ऑडियोनिक के स्पीकर्स होते हैं ये बड़े लाइट वेट होते हैं, ईजीली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, इवन अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो भी आप ईजीली इसको उठा सकते हैं। बिल्ड की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो बिल्कुल मैट बॉडी के साथ है, बिल्ड बहुत अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ ये स्पीकर आया है। फ्रंट पे आपको इसका स्पीकर नज़र आ रहा है जिसमें RGB लाइट्स होंगी जब आप इसको ऑन करेंगे। ऑडियोनिक की ब्रांडिंग हुई हुई है, डिज़ाइन भी इसका ओके मुझे लगा, मतलब ऐसा है कि अगर रखा हो तो अच्छा लगता है। बैक साइड पे आपको कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सारा ऑडियो कंट्रोल आप कर सकते हैं, लाइक आप वॉल्यूम कर सकते हैं, इसकी इको, इसकी बेस, ऑन ऑफ के बटन, और इसके साथ माइक इन है, ऑक्स केबल है, USB से कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मोड लाइट है, लाइट्स को आप डिफरेंट जो है वो RGB लाइट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और TWS का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर और इस तरह के बटन्स हैं जो कि आप आराम से इसको प्ले कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसको ऑन करके ताकि हम मज़ीद इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर लाइट्स आपको जैसे नज़र आ रही हैं RGB, यहीं से मैं इसको चेंज करूँगी RGB लाइट्स को, और यहाँ पर इसके ये कुछ बटन्स हैं। अच्छा, ओके। तो इस तरह आप इनके बटन्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बटन से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ मोड हो गया, तो हमने ब्लूटूथ मोड पे अगर चलाना है तो आपने इस मोड पे चलाना है। ओके, मैं दिखाती हूँ बॉक्स के अंदर, क्योंकि इसके साथ माइक भी दिया गया है और कुछ केबल वगैरह भी दी गई हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर हमारे पास और क्या है। अच्छा, ये वाला माइक इस तरह का कुछ माइक है, और ये इसका स्विच ऑन एंड ऑफ बटन है, इससे आप स्विच करेंगे इस तरह तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप सी केबल का भी ऑप्शन है, इधर से कनेक्ट होगा, डायरेक्ट आप स्पीकर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इधर से ऑन होगा। तो बेसिकली माइक को यूज़ करते हुए भी कोई भी आप अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, कोई आप गेम खेल रहे हैं तो आप इस तरह माइक से बात कर सकते हैं। और ये इसके अंदर सेल हैं जो कि आप इस माइक पे लगा सकते हैं, और ये रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, और यूज़र मैनुअल है, ये इसका रिमोट है, इसके थ्रू आप
अपने स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है इसकी चार्जिंग केबल, जब आप इसको चार्ज करेंगे इसकी बैटरी फुल होगी तो ही ये चलेगा। ऑल दो इसमें बैटरी काफ़ी बड़ी दी गई है तो आपका काफ़ी टाइम निकाल सकती है। और मैं आपको वो हाइलाइटेड फीचर्स बताऊंगी। ये सेल है तो सेल जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मज़े की बात ये है कि इसमें एक ही सेल है, दो सेलों वाली झंझट नहीं है। ओके, अब ये हो जाएगा ऑन। ये देखिए ऑन हो गया इस तरह। तो ये देखें, अगर मैं कोई भी अनाउंसमेंट कर लूँ तो आराम से कोई भी बात कर, या हैप्पी बर्थडे है किसी का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह कुछ भी आप गाना गा सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर मैं दूर हूँ तो ये आवाज़ जो है वो नहीं आ रही होगी आपकी, लेकिन जैसे मैं ही करीब करूँगी तो फिर आपको आवाज़ आएगी। तो आपने ज़रा ज़्यादा करीब लेकर आना है, तब बात करेंगे तो आवाज़ आएगी। ओके, तो ये तो हो गया था इस माइक का डेमो। ओके, हम चलते हैं आप स्पीकर की तरफ। तो महफिल MH702 के कुछ की फीचर्स की बात की जाए, जो कि हाइलाइटेड फीचर है। इसमें आपको इमर्सिव साउंड मिल रहा है, इसमें आप डीप बेस इंजॉय कर सकते हैं, ऑडियो इसकी परफेक्ट है। मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि स्पीकर तो ठीक है लेकिन ऑडियो क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए, इसका साउंड अच्छा हो, बेस अच्छी हो, मज़ा आए सुनने में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो आप आराम से किसी भी स्मार्टफोन से, टैबलेट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस HD माइक है, हाई डेफिनेशन ऑडियो दिया गया है, वायरलेस माइक्रोफोन तो आप मज़े से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 2-in-1 FM रेडियो है, ईजीली आप रेडियो स्टेशन एक्सेस कर सकते हैं। डुअल फंक्शन FM ट्यूनर है इसके अंदर। आउटपुट पावर है 20 वॉट का, बैटरी है इसमें 3000 mAh, तो बेसिकली 3000 mAh की बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका प्ले टाइम भी है तो उस हिसाब से आपको ये बैकअप ज़्यादा देगी। अगर आप इसको फुल चार्ज कर लें और अपने साथ लेकर जा रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो बैटरी इसकी इतनी है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकती है। और इसमें आपको इनपुट ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लूटूथ का, USB, TF है, ऑक्स इनपुट भी है, स्पेशल फंक्शंस भी इसके अंदर मौजूद है, जैसे TWS फंक्शन है, लाइव रिकॉर्डिंग है, वॉइस ओवर है, इको है, इफेक्ट है। आपने स्पीकर्स देखे होंगे लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है या वॉइस ओवर का है ये नहीं होता, लेकिन इस पर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा मुझे फीचर लगा। मास्टर माइक कंट्रोल है तो इजीली माइक सेटिंग कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको दिखाया है, तो इजीली कन्वीनियंट वे है इस स्पीकर को कंट्रोल करने का। LED डिस्प्ले है इसमें, डुअल RGB लाइट्स हैं, तो विजुअल इफेक्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, ऑडियो एक्सपीरियंस भी आप इन्जॉय करेंगे, क्योंकि RGB लाइट्स ज़रा अच्छी लगती हैं, थोड़े डिम और लाइट्स हों और इस तरह का कोई गेट टुगेदर है तो लाइट्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, इस स्पीकर को कनेक्ट करना इतना आसान है, आपने जस्ट ऑन करना है इसके पावर बटन से, जो कि मैंने आपको बटन दिखाई हैं अभी बैक साइड पे। बस इसको आपने ऑन करना है और आपका स्पीकर ऑन हो जाता है, और ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट करें। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ। आपके पास MH702 का ऑप्शन आएगा ब्लूटूथ में और आप इसे कनेक्ट कर लें। ये कनेक्ट हो गया है। ओके, तो मैं अब कुछ भी म्यूज़िक प्ले करती हूँ और मैं आपको बेसिकली इसका ऑडियो चेक करवाना चाहती हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ऑल दो आपको उस तरह नहीं आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने भी माइक लगाए होते हैं और आपको उस तरह साउंड नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका साउंड कैसा है। ये इस तरह का कुछ इसका ऑडियो। वेरी नाइस, सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि इसकी इतनी अच्छी ऑडियो होगी। सीरियसली बेस बहुत अच्छी है, और आई मस्ट से कि भाई स्पीकर को देख के नहीं लग रहा था कि इसकी इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी होगी। ट्रस्ट मी, ये जो बेस की और इको की बात की जा रही थी वो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई है।
इसको मैंने बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे भी नहीं किया। आप सोचिए मैं फुल वॉल्यूम पे करूँगी तो कैसा होगा, क्योंकि आपको माइक में उतना आवाज़ नहीं आ रही इसकी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी बेस कैसी है। और कनेक्टिविटी भी इसकी बड़ी ईजी है, जैसे कि आप इसको अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हैं वाया ब्लूटूथ और डिफरेंट वेरियस डिवाइसेस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक टीवी से, गेमिंग कंसोल से और स्मार्टफोन से ये स्पीकर कनेक्ट हो सकता है। बेसिकली आप इसको डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज अ डेकोरेशन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बिल्ड मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मतलब इसकी अपेयरेंस एक तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, इसका लुक्स भी बड़ा स्टाइलिश है, तो कहीं भी आपने रखा होगा तो बड़ा ही रिप्रेजेंटेबल लगेगा। इतनी अच्छी साउंड के साथ तो वैसे ही स्पीकर की जो है डबल तारीफ करनी चाहिए। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, वायरलेस HD माइक है जो कि मैंने आपको दिखाया है, 2-in-1 FM रेडियो है और इसमें ऑक्स इनपुट है, आउटपुट पावर 20 वॉट का है, बैटरी 3000 mAh की है, इनपुट ऑप्शंस हैं इसमें ब्लूटूथ USB TF जो कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये स्पीकर 13,900 का है। अगर आपका ये बजट है और आप एक ऐसा स्पीकर देख रहे हैं जो कि एक तो घर में आपका कहीं रखा हो एज अ डेकोरेशन पीस भी, स्टाइलिश बॉडी है, खूबसूरत बिल्ट है, लाइट वेट है, बिल्ट इसकी मुझे इतनी पसंद आई क्योंकि एक तो मैट बॉडी के साथ है और बड़ा लाइट वेट है और कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह पड़ने का भी खतरा नहीं होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वैसे ही स्पीकर अगर आप कहीं पिकनिक पे लेके जा रहे हैं किसी गैदरिंग में, तो भी ये इतना ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको ये नहीं होगा कि ये क्रैक हो सकता है, ये टूट सकता है डैमेज हो सकता है। इसकी बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई गई है और ऑडियो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही ली, बहुत ज़बरदस्त है। ऑल्दो ये मैंने फ़ोन के साथ अभी कनेक्ट किया है और आपको पता है कि जब यूट्यूब से आप कोई भी स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो उसकी साउंड उस तरह नहीं होती, और अगर आप इसको जैसे आपके पास म्यूजिक लाइब्रेरी होती है फ़ोन में, अगर आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो उसकी साउंड मैं कहती हूँ बहुत आला होगी। और ये भी मैंने फुल वॉल्यूम पे नहीं लगाया था, मैंने थोड़ा सा स्लो लगाया था, उसकी कुछ रीजंस हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेस्ट पैकेज आपको दिया गया है, अच्छा डिज़ाइन, अच्छा बिल्ड, अच्छा साउंड, अच्छी बैटरी, और आपको क्या चाहिए, एक साल की वारंटी भी मिल रही है। तो खैर ये था ऑडियोनिक का महफिल MH702 और आपने बताना है कि ये स्पीकर आपको कैसे लगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहना है मुझे, अल्लाह हाफिज़।